हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो चलिए आज गार्डन के बारे में बताती हूँ। तो नया गार्डन स्टार्ट कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा प्लान जो होना चाहिए गार्डन में। तो एट फर्स्ट सबसे पहले तुलसी तो लगाना चाहिए, बहुत शुभ होता है गार्डन के लिए, तो घर के डोर पे, ये वास्तु के लिए भी अच्छा होता है। तो तुलसी लगाया हुआ है मैंने, ठंडे दिन आ रहे हैं इसे तुलसी ऐसा हो रहा है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा फरवरी तक। उसके बाद ये कलरिंग पौधा है, मैं इसका नाम नहीं पता है मुझे, बस लगा के रखी हूँ मैं। अभी सही से गार्डन बनाया भी नहीं क्योंकि ठंडा दिन आ रहा, तो अच्छे से बनाऊंगी। ये मनी प्लांट है, सबको मैंने अभी लगा के रखा है, अच्छे से हो जाने से उसके बाद गार्डन स्टार्ट करूँगी। एक महीने बाद गार्डन बनाऊंगी, न्यू गार्डन, तब ब्लॉग बनाऊंगी। तो ये है सैडो, ये अरुणाचल में खिलता है और ये छाँव में होता है, इसलिए इसका नाम सैडो है। और ये यहाँ का जंगली कुछ फ्लावर है, जंगल का पत्ता है ये खाने में खट्टा लगता है, फ्लावर होता है येलो कलर का। तो ये सभी कलरिंग और ऑक्सीजन प्लांट भी है यहाँ, मैं बहुत सारा पौधा लगा के रखी हूँ ताकि एक महीने बाद सही से गार्डन बनाने के लिए, तो सबको उगने दिया है मैंने। तो नया गार्डन अगर लगा रहे हैं तो ये सब पौधा ज़रूर होना चाहिए। और ये है करी पत्ता, करी पत्ता प्लांट मैंने लगाया है, ये किचन में भी काम में आता है, खाने में भी काम में आता है, तो बहुत अच्छा है, तो आप लोग भी लगा सकते हैं। और बहुत जल्दी होता है ये सब प्लांट, तो मैं ये बोल रही हूँ अगर नया गार्डन स्टार्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो ये सब प्लांट लगाइए, जल्दी जल्दी जिंदा हो जाता है ये सब पौधा, मरने का कोई चांस ही नहीं, थोड़ा पानी पीने से जिंदा होता है। और ये स्नैक प्लांट, तो ये देखिए, ये भी छोटा सा पॉट पर लगाने से भी हो जाता है। ये देखिए स्नेल भी है, मैंने बेका नहीं, बेचारा कहाँ जाएगा, तो रहने दो, वहीं पर रहने दिया मैंने। ये देखिए स्नैक प्लांट बोलते हैं इसे, दूसरा नाम मुझे नहीं पता और हिंदी में क्या बोलते हैं वो भी नहीं पता। तो ये है दुपाटी फूल, बेंगोली से दुपाटी फूल बोलते हैं, इसमें हमेशा 12 महीने ही फूल खिलता है, पूजा के लिए बहुत काम में आता है। पिंक कलर का फ्लावर वो देखिए छोटा सा खिला है। और ये ऑक्सीजन प्लांट, ये तो गार्डन में होना ही चाहिए, ये सब बहुत जल्दी जिंदा हो जाता है। तो आप लोग नया गार्डन स्टार्ट कर रहे हैं तो नर्सरी में मिल जाएगा, आप लोग जाकर ले सकते हैं। और ये है बाली प्लांट, ये कपड़ा का फेब्रिक में काम में आता है इसका। ये देखिए प्लांट है, इसका नीचे छोटा 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 आलू जैसा होगा, उससे कुछ पाउडर बनता है शायद, तो वही है, मुझे इतना नहीं पता है। तो ये देखिए ये रेड कलर का है, ये सब लगा के रखा है मैंने, तो ये सही से गार्डन ठीक नहीं किया, करूँगी। ये देखिए ये है पेपर फूल, ये काटा होता है इसका और सीजनल है, ये गर्म दिन में खिलता है, अभी ठंडा आ गया तो थोड़ा मुझा मुझा टाइप का गया। तुलसी भी ऐसे ही होता है, ठंडे दिन में थोड़ा मुझा जाते हैं, पर फरवरी तक फिर ठीक हो जाएगा, संभाल के रखूँगी सही से। तो ये देखिए बड़ा भी हो गया ये पौधा। और सबसे मेरा फेवरेट ये मेरा मनी प्लांट है, देखिए कितना बड़ा हो गया, मैंने डोर पर लगाया है इसे, इसलिए पर्दा भी मैंने हटा दिया। तो ये तो मोस्ट होना ही चाहिए, सबको लगाना चाहिए ये मनी प्लांट। कितना सुंदर से बड़ा हो गया ये मनी प्लांट पेड़। उसके बाद चलिए ये एलोवेरा, एलोवेरा तो हर जगह होता नहीं है, बट आप लोग भी ट्राई कीजिएगा लगाने के लिए। देखिए हाथ कट जाने से इसको काट के लगा भी सकते हैं, देखिए कितना अच्छा से हुआ है मेरा गार्डन में। अभी मुझे टाइम भी नहीं मिलता, क्या नहीं कर पा रही हूँ, बट एक महीने बाद मैं नए से गार्डन लगाऊंगी। यही विस्कस जवा फूल बोलते हैं, विस्कस है ये, बालों में लगाते हैं इसका, पता कैसे लगाना है मैं नेक्स्ट एक ब्लॉग बनाऊंगी। अगर आप लोग सोचे नया गार्डन लगेगा तो ये सब पौधा जरूर लगेगा, नर्सरी में मिल जाएगा, तो आपको कैसा लगा मेरा गार्डन जरूर बताइएगा। और क्या लगा सकते हैं गार्डन में अगर आप लोग को पता है तो आप लोग जरूर बताइएगा। देन व्यूअर्स, हमारे चैनल को देखने के लिए थैंक यू सो मच, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा नया कुछ लगा सकते हैं तो गार्डन में, मुझे इतना ही पता था, मैंने इतना ही बताया। देन बाय बाय।